नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को लाने के लिए सियासी गलियारों में घमासान मचा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आरजेडी के एक विधायक सरोज यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री को फोन लगा दिया। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार जी। सीएम साहब बोल रहे हैं गुजरात? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर, मैं बिहार पटना से सरोज यादव एमएलए बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, मेरे कंस्टिट्यूएंसी के बहुत सारे लेबर आपके और जगह जिला में फंसे थे। सब जगह व्यवस्था हो गया सर, दो जगह नहीं हो रहा है, सूरत और अहमदाबाद। और सर दो दो दिन तीन तीन दिन से लेबर सब उपवास है सर, भूखा है, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है लोग। हेलो, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। मैंने आपके हमारी पूरी व्यवस्था है, आप मुझे डिटेल भेजिए कि इस जगह पर ये लोग है और उसका एक नाम और एक नंबर। सर मैंने अहमदाबाद डीएम साहब और सूरत डीएम साहब से बात की है, खुद डिटेल्स मांगे भेजे, बट सर कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में सर को मैंने फोन किया। नहीं, और दूसरा हमने किया है जी, आप भी बात करो नीतीश जी को, जितने लेबर्स बिहार जाना चाहते हैं जी जी, तो हम भेज रहे हैं यहाँ से। तो सर यूपी भेज रहा हूँ 100 बस जी जी, तो उसको भी भेज देंगे, बताइए जी सर। तो लोगों को भेज दिया जाता सर, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हमारे सीएम महोदय तो एंट्री बंद किए हैं सर। नहीं, नीतीश कुमार जी परमिशन दे, इतना बात करवा दो आप। नहीं दे रहे हैं ना सर, नहीं दे रहे हैं, दिया तो हमने कर दिया। नहीं सर, ये दे नहीं रहे, हम लोग तो कंटिन्यू बोल रहे हैं, बट माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहाँ दे रहे हैं। और लेबर सर परेशान है सर, इंसान है। खाने पीने की व्यवस्था देख लूंगा जी जी। डिटेल भेज दिया है ना डीएम को? मैंने भेज दिया सर, सूरत डीएम और अहमदाबाद डीएम साहब दोनों लोगों को। बात जी, आपसे आग्रह है सर, प्लीज करवा दी। हेलो, एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, हमारी जिम्मेवारी है। जी 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 सर, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी को, जिनका कहना था कि आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उन्हें कहिए कि वे अपने लोगों को यहाँ से वापस ले जाएं, हम उन्हें भेजने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस मसले पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अब तक रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हम खबर को खबर की तरह परोसते हैं, तो रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।